मुश्किल से 20 मिनट की ट्रेनिंग है, लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं वादा और दावा करता हूँ कि जितने सारे अचीवर आज यहाँ पे अपना अनुभव शेयर किए, अपनी इनकम बताए, ये इनकम आपकी भी आने वाली है और आपकी भी इनकम ये आ जाएगी। तो लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, आज की हम मीटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, आप बने रहेंगे। तो दोस्तों आज की हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग। दोस्तों इस बिजनेस में हमें ना बड़ा कुछ जी दोस्तों, ट्रेनिंग से ही आप उस काम पे एक्सपर्ट बनते हैं, मतलब जिस फील्ड में आप चाहते हैं एक्सपर्ट बनना, तो उसकी रोज ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। और बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं, वहां भी प्रसन्न होता है। दोस्तों नंबर 4 पॉइंट ये है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग से ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग से बढ़ता है नॉलेज और नॉलेज से बढ़ता है आत्मविश्वास। अगर आप इस ट्रेनिंग रोज अटेंड करते हैं तो आप बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोगों से बेबाक तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका ऑटोमेटिक बिलीव बढ़ जाता है। दोस्तों 5 पॉइंट, डीएमपीएल में ट्रेनिंग रीढ़ की हड्डी है, जो ट्रेनिंग है वो रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना हम बिजनेस में खड़े नहीं हो सकते। जैसे अगर हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते। बट दोस्तों इसी प्रकार से बिजनेस में बड़ी इनकम लेने के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए और अपने इनकम को लाखों पे ले जाने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम ट्रेनिंग को लगातार अटेंड करें। दोस्तों डीएमपीएल इतने सफल हुए हैं, बिना ट्रेनिंग के सफल नहीं हुए हैं। आज आप देख पा रहे हैं जितने आज, चाहे वो स्टार हो, 2 स्टार 3 स्टार या जितने भी बड़े लेवल हैं, जो लोग भी हुए हैं ट्रेनिंग से ही सफल हुए। ट्रेनिंग से ही आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। दोस्तों बिजनेस में हम आते हैं, देखिए क्या है कि फर्स्ट टाइम में व्यक्ति बिजनेस को पूरा समझ नहीं पाता, इसलिए कुछ डाउट मन में होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लगातार लगातार ट्रेनिंग में आते हैं, उनके सारे डाउट लगातार क्लियर होते चले जाते हैं। 8 पॉइंट, ट्रेनिंग से ही वाई क्लियर होता है, वाई इस बिजनेस को क्यों करना है। और तो इस बिजनेस में आने से पहले भी मुझे लगता था, ऐसे बहुत से लोगों लगता है जब ट्रेनिंग में, जब इस बिजनेस में आते हैं तो जब नहीं सीखते हैं या नहीं पता होता है तो लगता है कि मैं पैसा देकर फंस गया क्या। लेकिन उससे जब आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जब आप इस बिजनेस को समझते हैं, तो आपका वाई क्लियर होता है, बिजनेस को क्यों करना है और कैसे करना है। डीएमपीएल में बिजनेस आप बिना ट्रेनिंग के कुछ दूर चल सकते हैं, लेकिन सफलता के शिखर पर कभी नहीं पहुंच सकते। दोस्तों इस बिजनेस में आप बिना ट्रेनिंग के, हो सकता है कि आप 10,000 कमा लें, हो सकता है कि 20,000 कमा लें, 50,000 कमा लें, बट दोस्तों 50 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या हमें 50 लाख तक पहुंचने के लिए, डायमंड बनने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों नेक्स्ट है रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर इनकम। अगर आप इस बिजनेस को लगातार इनकम करना चाहते हैं तो लगातार ट्रेनिंग लीजिए, नो ट्रेनिंग नो इनकम। दोस्तों कहा जाता है कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, क्या सही है? दोस्तों नहीं, सांस लेना जरूरी नहीं है, लगातार सांस लेना जरूरी है। उसी प्रकार से हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहने के लिए, आगे इनकम लगातार करते रहने, हमें लगातार ट्रेनिंग को अटेंड करना जरूरी है। और दोस्तों आपका बिजनेस सब कुछ दे सकता है यदि आप निम्न बातों का को ध्यान रखें। दोस्तों पहला है, आप स्वयं ट्रेनिंग अटेंड करें, लगातार आइए ट्रेनिंग में, लगातार आइए, खुद आइए, टीम को भी लाइए, खुद आइए, टीम को भी लाइए, और रोज अपना स्टेटस लगाएं, जो व्हाट्सएप होता है, अपनी लिस्ट रोज बनाएं और अपने टीम से कम 20 लोगों को ट्रेनिंग के लिए कॉल करके प्रमोशन करें। दोस्तों ये बिजनेस प्रमोशन करने का है। आज दोस्तों देखा आपने कि बहुत से लोग इस मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन बहुत लोग शामिल नहीं हो पाए। दोस्तों ये YouTube का लिंक या Zoom मीटिंग हर शख्स के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन जिस टीम ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया, ट्रेनिंग के लिए प्रमोशन किया, आज उनके बहुत से लोग इस मीटिंग में शामिल हैं, इस ट्रेनिंग में शामिल हैं। और जितने ज्यादा लोग को हम ट्रेनिंग में शामिल कर पाएंगे, आप अपनी चेक को, अपने इनकम को उतना बड़ा कर पाएंगे। दोस्तों ट्रेनिंग रोज सुबह होती है और अलग अलग ट्रेनिंग होती है, अलग अलग जो कि अपलाइन आते हैं और अपना शानदार अनुभव आपके सामने रखते हैं। तो प्रमोशन टीम को करें। और दोस्तों रोज कम से कम 10 लिस्ट अपडेट करें, जो बेसिक बची बता रहा हूं, स्वयं से रोज 10 लोग को लिंक भेजें, रोज इस बिजनेस को करने के लिए लोगों को इनवाइट करने के लिए
चाहे वो ट्रेनिंग का हो, चाहे वो शाम को सेमिनार का हो, कम से कम अपने साथ में मिनिमम 10 लोग को लिंक शेयर करें। और उसको नोट है, लिस्ट बनाते समय अच्छे स्किल के लोगों को पहले रखें, इस व्यवसाय में लिस्ट ही आपका धन। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेनिंग की ओर। व्हाई शुड नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए। काम बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारे हम काम करते हैं, करते थे और कर रहे हैं, लेकिन हमें इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना चाहिए। तो अब आगे हम समझते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती है, क्योंकि आज वर्तमान इनकम से खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम इस डीएमपीएल में आके अपनी इनकम के अलावा एक एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। लाइफ स्टाइल के लिए दोस्तों, लग्जरी लाइफ के लिए, लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। टाइम फ्रीडम के लिए, कि आपके पास समय ही समय हो, क्योंकि आज लोगों पास एक कहानी आप सुनते हैं कि लोगों पास पैसा है तो टाइम नहीं है और टाइम है तो पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप टाइम भी कमाते हैं और भरपूर टाइम कमाते हैं। फिर फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब पैसे की आजादी, टाइम मतलब समय की आजादी, फाइनेंशियल मतलब पैसे की आजादी। यहाँ इस बिजनेस में आप पैसा भरपूर कमाते हैं, इतना कमाते हैं कि आपको सोचना नहीं पड़ता। आज अकाउंट खाली हो भी जाए तो कल अकाउंट में पैसा फिर आ जाता है, आपने कल अकाउंट फिर से खाली कर दिया तो परसों अकाउंट में पैसा फिर से आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको यहाँ से मिल जाएगी। ऑन बिजनेस, अपने बिजनेस के मालिक बनने के लिए दोस्तों, इस बिजनेस में आकर आप अपने मालिक बन सकते हैं। अब तक लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो किसी के अंडर काम करते हैं, कोई बॉस होता है, और इस बिना आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपने बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। और जो मालिक होता है वो करोड़ों अरबों में कमाता है, और इसलिए आपको डीएमपीएल में मालिक बनने का मौका मिल रहा है। दोस्तों मीटिंग और मीटिंग न्यू पीपल, आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हर रोज नए नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है, सही है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दोस्तों मैं देखा है कि मैंने इस बिजनेस में कि आपका पूरा पीडी जो डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट इतना शानदार हो जाता है, इतना बेहतर हो जाता है कि आप एक आम इंसान से खास इंसान लगने लगते हैं। दोस्तों फर्श से अर्श तक का सफर आप इस बिजनेस के माध्यम से कर सकते हैं। पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज, आप इसके पहले क्या थे, अगर अपनी फोटो देखें, आज जो लोग भी मंच पे आप देख रहे हैं जिन्होंने बड़ी इनकम ली है, उनकी 10 साल पुरानी फोटो देखें तो पाएंगे कि वो पहले क्या थे आज क्या थे। बिल्कुल चेंजेस आ चुका है डीएमपीएल के माध्यम से। सोशल कॉज दोस्तों, एक सामाजिक में एक अलग पहचान बनाने के लिए इस बिजनेस के माध्यम जब आप इनकम करते हैं, जब आपकी बहुत बड़ी टीम बनती है, तो दोस्तों सोशल सामाजिक आपका स्थान बहुत ऊंचे दर्जे में पहुंच जाता है। और अर्ली रिटायरमेंट, इस दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से आप रिटायरमेंट जल्दी ले लेते हैं। दोस्तों आप देखते हैं जनरली इस बिजनेस के माध्यम में अदर जॉब में लोगों को लगते हैं 60 साल लगते हैं रिटायरमेंट के लिए, 60 साल देना पड़ता है रिटायरमेंट के लिए, वो भी दोस्तों काम से भी मुक्ति और दाम से भी मुक्ति। बट दोस्तों डीएमपीएल में आप अर्ली रिटायरमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे लोग 19 साल, 20 साल, 21 साल में लोग 2 लाख, 3 लाख की इनकम ले रहे हैं, मतलब अर्ली रिटायरमेंट। दोस्तों सिर्फ काम से रिटायर, दाम से नहीं, पैसे से नहीं, पैसे भरपूर। और दोस्तों लिविंग लेगेसी, विरासत छोड़ना, दोस्तों इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके जा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस में पैसा कमाने के बाद क्या क्या हो सकता है, दोस्तों इस चीज देखी जाती है कि हम इस दुनिया से जाएंगे तो हालांकि कुछ लेके तो नहीं जाएंगे, बट छोड़ के क्या जाएंगे। इस बिजनेस से माना पैसा खुदा नहीं, खुदा से कम भी नहीं, और माना कि पैसे कमा के हम ऊपर लेके नहीं जाएंगे, लेकिन अपने पीढ़ी के लिए, अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएंगे। दोस्तों छोड़ सकते हैं विरासत, एक एम्पायर आप अपने पीढ़ी के लिए, अपने परिवार के लिए इस बिजनेस के माध्यम से खड़ा कर सकते हैं, और जब जाएंगे तो लाखों के दिलों में जगह बना के जा सकते हैं। दोस्तों ये सारे फायदे नेटवर्क मार्केटिंग के हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं बेसिक ट्रेनिंग की ओर। दोस्तों इस बिजनेस में जरूरी है 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक और 90% एक्साइटमेंट। दोस्तों ये पूरा बिजनेस एक्साइटमेंट का है, उत्साह का है, खुश रहने का है, बिंदास रहने का है। दोस्तों देखते हैं कि इस बिजनेस में आकर बहुत लोग सफलता जल्दी ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते हैं, कुछ लेट से ले पाते हैं। दोस्तों कारण एक ही होता है, उनके अंदर का उत्साह, क्योंकि हर व्यक्ति दोस्तों ज्वाइन नहीं करता कंपनी को, व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता प्लान को, वो ज्वाइन करता है आपको, क्योंकि आपको देखता है कि मुझे किसने कॉन्टेक्ट किया,
मुझे किसने संपर्क किया, मैं किसके माध्यम से आया। तो दोस्तों दो देखते हैं आपका उत्साह। और उसे बात कही गई है कि जब एक बंदर भी किसी टहनी पे पांव रखता है तो जांचता है कि टहनी मजबूत है कि कमजोर। दोस्तों इंसान देखता है कि ये व्यक्ति खुशनुमा व्यक्ति है कि दुखी नुमा व्यक्ति है। दोस्तों खुशनुमा व्यक्ति को हर कोई व्यक्ति पसंद करता है और व्यक्ति उसे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमेशा उत्साहित रहें, बिंदास रहें। तो दोस्तों बिजनेस आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, लेकिन क्या रहें, बिंदास रहें, उत्साहित रहें। अब आते हैं दोस्तों फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों मधुर संबंध बना के रखें, रोज अपने एक्टिंग गुरी अपलाइन और डाउनलाइन से हमेशा रोज बात करें, रोज रोज रोज। अगर रोज कमाना चाहते हैं और दो शिफ्ट में पैसा कमाना चाहते हैं, फर्स्ट शिफ्ट भी और सेकंड शिफ्ट भी, दोस्तों रोज अपने एक्टिंग ग्रोइंग अपलाइन से रोज बात करें और रोज अपने डाउन पार्टनर से भी, अपने जूनियर पार्टनर से भी रोज बात करें। यही है फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि अगर साइकिल में अगर 2% हवा ना हो तो साइकिल खड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। दोस्तों इतना रोल है सिर्फ 2% का, सही है। दोस्तों ज्यादा बात नहीं करना है, 2% ही बात करना है। सुबह शाम आप 2 बार, शाम को 2 बार, यही अपने टीम से बात करें, देखना कि आपका बिजनेस बहुत स्पीड से ग्रो करेगा। और दोस्तों फाइन ट्यून में कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि एक ही ऐसा शख्स है जो आपको इस बिजनेस में सक्सेस बना सकता है, वो है कौन है? आपका अपलाइन। दोस्तों इसलिए अपलाइन से रोज बात करें, क्योंकि यही शख्स है। दोस्तों दुनिया का हर व्यक्ति आपका बुरा चाह सकता है, लेकिन एक आपका अपलाइन है जो आपका बुरा कभी नहीं चाहता, वो हमेशा चाहता है कि आगे बढ़े। जैसे आपके पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, हमारे जो पेरेंट्स हैं, कि कभी चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा सफल हो, मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति बने। ऐसे तो आपका अपलाइन चाहता है कि मेरा जूनियर है, मेरा जो टीम पार्टनर है, ज्यादा सफलता मिले। एक ऐसा सीनियर चुनिए जो एक्टिव हो। हमें चुनाव कैसे करना है? एक ऐसा सीनियर चुनिए जो एक्टिव हो, एक अच्छा अर्नर हो, जो हमेशा सिखाता हो, जो हर कंडीशन में बिजनेस को प्राथमिकता देता हो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, ऐसा अपलाइन चुनिए आप, जो आपको मोटिवेट करे, एजुकेट भी करे और ये सारी क्वालिटी आपको दे सके। एक ऐसे अपलाइन को आप चुनिए और उसके गाइडलाइन पे वर्क कीजिए। एंड पेंडिंग प्रॉब्लम के बारे में बात आपकी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, याद रहे अपलाइन इज अ लाइफलाइन। दोस्तों अपलाइन को लाइफलाइन भी कहा गया है। अगर आप सीनियर का दिल से रिस्पेक्ट करते हो और उसकी इज्जत करते हो तो वो तो उनका पूरा ध्यान और फोकस आपकी तरफ जाएगा। दोस्तों जल्दी हम क्या करते हैं, अपलाइन से ना बात करते हैं, ना उनके फोन रिसीव करते हैं, और हम हमेशा अपलाइन को प्रॉब्लम समस्याएं ही बताते रहते हैं। दिन भर प्रॉब्लम समस्या हम बताते रहते हैं। और अगर आप अपने अपलाइन को इज्जत और पूरे रिस्पेक्ट फुल्ली बात करते हैं तो अपलाइन का फोकस आपकी ओर ज्यादा रहता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रिपोर्टिंग की ओर। हमें रिपोर्टिंग में क्या करना है? दोस्तों सुबह का ट्रेनिंग का नोट्स बनाकर सीनियर को फोटो खींचकर भेजना है, रिपोर्टिंग। दोस्तों ये आता है फाइन ट्यूनिंग के अंतर्गत। फाइन ट्यूनिंग में हमें रिपोर्टिंग देना है, सुबह का ट्रेनिंग का नोट्स बनाकर सीनियर को फोटो खींचकर भेजना है। सेकेंड पॉइंट, ट्रेनिंग अटेंड करने वालों की संख्या भेजना है कि आपके टीम में कितने लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, या तो यूट्यूब के माध्यम से या जूम के माध्यम से हो। आप अपने अपलाइन को सारी ये संख्या फोटो खींच के भेजिए। और दोस्तों हो सकता है कि कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, दोस्तों स्क्रीनशॉट मत लीजिए। स्क्रीनशॉट से आप नोट्स नहीं बना पाते, आप उसको नोट्स बकायदा लिखिए और अपने सीनियर। दोस्तों इस बातों को आप रिपोर्टिंग में आप लिख लीजिए। आप अगर डायरी पेन लेके बैठे हुए हैं तो लिखिए, अपने सीनियर को आपको नोट्स बनाना है। आज जितनी बातें बताई जा रही हैं ट्रेनिंग में, सबका नोट्स बनाइए। और ट्रेनिंग आपकी टीम से कितने लोग अटेंड कर रहे हैं आप जूम पे चेक कर सकते हैं, उनका संख्या अपलाइन को भेजिए। थर्ड पॉइंट, आपके माध्यम से सेल प्लान की संख्या और सेल संख्या अपलाइन को रिपोर्टिंग में करना है। क्या करना है? आपके माध्यम से आज कितने प्लान हुए, कितने लोगों ने प्लान देखा, और आपके टीम से आज कितनी ज्वाइनिंग, कितने सेल क्लोजिंग हुई। और चौथा पॉइंट, आपके ग्रुप ए और बी से प्लान प्लस सेल की संख्या रात को सोने से पहले भेजना है। दोस्तों अगर आप अपने आप को इस सिस्टम में ले आए, अगर आप अपने आप को इस सिस्टम में ले आए, ये चारों पॉइंट को आपने अगर फॉलो कर लिया, दोस्तों देखना आपका बिजनेस कितनी ऊंचाइयों पर रहेगा।
सही है दोस्तों। अब बारी आती है टेक्निक की। दोस्तों टेक्निक के बिना हम लाइफ में अपने काम को हार्ड कर लेते हैं, कठिन कर लेते हैं, और विथ टेक्निक के साथ में हमारा काम इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? अपना काम इजी हो जाता है। दोस्तों देख सकते हैं कि अगर कोई काम बिना टेक्निक के किया जाए तो कई समय लग जाएगा काम करते करते, लेकिन अगर विथ टेक्निक किया जाए तो काम आसानी से हो जाता है। जैसे कुछ लोग मिट्टी को रिमूव करने का काम कर रहे हैं, बट उनके पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई तकनीकी नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा समय लगेगा। और एक व्यक्ति जैसे भी मशीन से मिट्टी हटा रहा है, मतलब उसके पास टेक्निक है और वो चुटकियों में या कुछ ही घंटे में अपने काम को कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं गोल की ओर। दोस्तों अपना गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए, ड्रीम बनाइए, इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं। लक्ष्य को दोस्तों सेटिंग कीजिए कि कितना इस बिजनेस से इनकम करना चाहते हैं, क्या सामान लेना चाहते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट भी आपका लक्ष्य में शामिल हो सकता है। और अपने ड्रीम को तीन भागों में बांटें, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है दोस्तों? उसको बनाइए आप 0 से 6 महीने का, कितने का? आज से लेकर 6 महीने तक का। और मिडिल टर्म गोल बनाइए 6 से 2 साल तक का, और लॉन्ग टर्म गोल 2 से 5 साल तक। लेकिन दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है डीएमपीएल में कि आपको लॉन्ग टर्म 2 से 5 साल का ड्रीम की जरूरत ही नहीं है। आपके सारे सपने, जो भी ड्रीम बनाएंगे, 6 से 2 साल में ही पूरे खत्म पूरे हो जाएंगे। बड़े से बड़े ड्रीम को भी आप डीएमपीएल के माध्यम से सिर्फ 2 साल में ही अपने सारे ड्रीम, चाहे गाड़ी का, बंगले का, लग्जरी बंगले, लग्जरी कार का सपना, आपको वो जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप 5 साल तक इस बिजनेस में आप ड्रीम बनाए। आपका ड्रीम लक्ष्य गोल जो है वो 2 साल में ही पूरे कंप्लीट पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अगर लिस्ट बन, अगर हमारा गोल बन चुका है, ड्रीम बन चुका है, लक्ष्य बन चुका है, दोस्तों हमें क्या करना है? हमें लिस्ट मेकिंग करना है, नामों की सूची तैयार करना है, जितने आपके लोग हैं। क्योंकि इस बिजनेस में जो सफलता है वो लोगों से मिलेगी। किससे मिलेगी? लोगों से मिलेगी। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी उतनी बड़ी सफलता होगी। जितनी लिस्ट है, बहुत करीबी लोग, जितने आपके करीबी लोग लिस्ट बनाइए, थोड़े करीबी बनाइए, कभी कभार मिले बनाइए, जितने लोग भी आपके संपर्क में आते हैं, इन तीन भागों को लिस्ट में आप बांट करके लिस्ट को अपने डायरी में या रजिस्टर में उसको लिखिए, बनाइए। और अगर लिस्ट बन गया है उसको क्या कीजिए, आपको कुछ बेसिक काम करना है, व्हाट्सअप स्टेटस रोज सेट करना है, रोज 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 रोज, एवरीडे रोज सेट करना है, ठीक है? और कैसे करना है? आपके मोबाइल पे ये सब चीज आती हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड इनकम टेस्टिमनी। ये बिजनेस ऑनलाइन का है, वर्क फ्रॉम होम का है, तो आपको काम भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन काम है क्या? सिंपल सा स्टेप है, हमें ये पोस्टर मिलते हैं लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वर्क फ्रॉम होम, रोज घर से बैठे मोबाइल से काम करके 3 से 6 कमा सकते हैं, और उसके बाद लोगों का इनकम का, रोज आपके ग्रुप में लोगों का इनकम पोस्टर आता होगा। यही हमें क्या करना है, लगाने की जरूरत है। और दोस्तों जो लोग भी आपको कॉन्टेक्ट करेंगे कि सर ये डीएमपीएल क्या है, या ये ऑनलाइन काम क्या है, वर्क फ्रॉम होम क्या है, उन्हें हमें क्या करना है, हमें उन्हें कैसा रहेगा फॉर्मूला के साथ इनवाइट करना है। दोस्तों हो सकता है किसी ने देखा हो या ना देखा हो, आज ही अपने अपलाइन से बात करके इस वीडियो को मंगाइए, तो हो सकता है कि आपको कुछ देर में इस मीटिंग के बाद आपको एक वीडियो मिल जाए। तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को देखना है, कैसा रहेगा फॉर्मूला। जो भी आपसे बिजनेस के बारे में पूछता है, कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर डीएमपीएल क्या है, तो आपको कैसा रहेगा फॉर्मूला बात करना है कि भाई आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, कैसा रहेगा अगर आपको पढ़ाई करते करते अगर आपको 10 से 20 हजार महीने कमाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोलेगा जबरदस्त रहेगा। और कैसा रहेगा सर अगर आपको ये मौका आज मिल जाए कि आप आज से कमा सकते हैं, तो बोले कैसा रहेगा? जबरदस्त रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप उसको जूम मीटिंग का, दोस्तों टाइम थोड़ा कम है इसलिए वीडियो आपके मोबाइल पे आप अपने अप्लाई से मांग लीजिएगा। और जिसने भी इस कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला को पालन किया है और कैसा रहेगा फॉर्मूला से ही इस बिजनेस को चालू किया है, मतलब इनवाइट किया है, उनका रिजल्ट 100% आ रहा है और वो बहुत बड़ी इनकम ले रहा है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और यही स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब पर्सन हैं, और चारों वर्ग के लोगों को इसी फॉर्मूले के साथ में इनवाइट करना है। बड़ी टीम कैसे बन पाएगी? जब आप एक काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, आमंत्रण करेंगे। क्या करेंगे? आमंत्रण। और दोस्तों हमें इनवाइट करना है जूम प्लान के लिए रोज शाम को। सोचिए दोस्तों, डीएमपीएल की खासियत देखिए कि आपको अपने टीम को सिखाने की जरूरत नहीं है, रोज सुबह ट्रेनिंग होती है 8 बजे सिखाने के लिए।
अपने टीम को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, आपका रोज कम हमारी डीएमपीएल सिस्टम केटीएस सिस्टम आपको रोज देती है सेमिनार ऑनलाइन रोज शाम को 6 बजे। आपको सिर्फ उन्हें आमंत्रित करना है, इनवाइट करना है। दोस्तों अगर आपको घर पहुंच सेवा मिल रही है ऑनलाइन जूम के माध्यम से, दोस्तों आप इसमें दोस्तों सीरियसली सिंसियर हो जाइए और आज शाम के 6 बजे के वेबिनार के लिए आज दोस्तों ताबड़तोड़ इनवाइट कीजिए। और 10, 15, 20 आप इनवाइट कीजिए, संकोच मत कीजिए। जितने ज्यादा लोग आपके जूम पे आएंगे, इस पे आएंगे प्लान ऑन जूम, जो व्यक्ति प्लान देखने जूम पे आएंगे दोस्तों एक माहौल रहता है। 1,000 लोग मीटिंग में रहते हैं और आपका एक व्यक्ति भी शामिल होता है दोस्तों, एक माहौल में आ जाता है और उसकी ज्वाइनिंग की संभावना दोस्तों 100% हो जाती है। इसलिए क्या करें, अपने टीम को अपने गेस्ट को जूम के लिए ही इनवाइट करें ऑनलाइन। और दोस्तों 80-20 का रेशियो काम करता है। अगर आप आज 20 लोग को अगर आप जूम के लिए इन्वाइट करते हैं तो डेफिनेटली आज आपके 4 से 5 लोग बिजनेस में आने वाले हैं, मतलब आपकी आज की शानदार इनकम यहाँ से होने वाली है। और दोस्तों डीएमपीएल में, दोस्तों साथियों डीएमपीएल में मैंने ये कहा है कि 80-20 का रेशियो काम करता है। 100 में से 80 लोग नहीं आएंगे, 20 लोग आएंगे। लेकिन दोस्तों मेरे साथ उल्टा हुआ है, मेरे साथ इस बिजनेस में 100 में से 80% रिजल्ट कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। लेकिन ग्री कंडीशन में, मिनिमम कंडीशन में अगर आप 100 को प्लान दिखाते हैं तो 20 लोग इस बिजनेस में आना तय है। अब दोस्तों एक बहुत शानदार टारगेट चल रहा है, मैं बहुत उत्साहित हूँ, आप लोग भी उत्साहित होंगे। डीएमपीएल प्रेजेंट्स गोवा टूर 3 days 4 nights। दोस्तों क्या आप सभी गोवा जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं दोस्तों? ये ऑफर 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 30 नवंबर तक है। आज तारीख कितना है? 24 तारीख है क्या? दोस्तों 1 हफ्ते लगभग बचे हुए हैं, लगभग 6 दिन बचे हुए हैं इस टूर के लिए। दोस्तों 3 nights 4 days का ट्रिप है, आप सब जो लगाइए और गोवा टूर क्वालिफाई कीजिए, बहुत मजा आने वाला है गोवा टूर में। और करना सिंपल सा जो प्रोसेस है, जो गोल्ड है उन्हें मात्र 3 नए गोल्ड पेयर करना है, 3 गोल्ड लेफ्ट से 3 गोल्ड राइट से, और वो इजिली क्वालिफाई करने वाले हैं। जो 1 स्टार है उन्हें अपने लेफ्ट राइट से 5-5 गोल्ड बनाने हैं, मात्र 5-5 गोल्ड। और आपकी टीम में अगर आप सर्च करें देखें तो बहुत लोग का 1 ID बचा होगा गोल्ड के लिए, बहुत लोग का 2 ID बचा होगा गोल्ड के लिए, कई लोग का 3 ID बचा होगा। बस आज आपको बैठ कर के लिस्ट बनाने की जरूरत है कि आपकी टीम में कितने लोगों का गोल्ड के नजदीक है, उनको प्रमोशन करना है, उनका साथ देना है, और वो भी क्वालिफाई करेंगे और आप भी क्वालिफाई करेंगे। अब दोस्तों सबसे बेहतरीन चीज, सबसे बड़ी चीज दोस्तों है डीएमपीएल का महाकुंभ होने वाला है। दोस्तों महाकुंभ दोस्तों जहां पे 5,000 से ज्यादा लोग आने वाले हैं इस महाकुंभ में। और दोस्तों हमेशा डीएमपीएल में जो काउंटिंग दी जाती है उससे ज्यादा ही बढ़ जाता है। कहा जाता है कि 1,000 लोग आएंगे दोस्तों 1,500 हो जाते हैं, जहां बोलते हैं 1,500 आते हैं वहां पे 2,500 हो जाते हैं, और जो 5,000 कहा गया है मतलब दोस्तों ये संख्या ऑटोमेटिक 7,000 पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों खुशखबरी तो यह है कि महाकुंभ होने वाला है 11 तारीख को। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है कि 98% टिकटें सारी बुक हो चुकी हैं। आज ही मौका है, कुछ सीटें बची होंगी तो आज लास्ट है। जितना जल्दी आप अपने टिकट को बुक कर लेंगे उतने जल्दी आप मीटिंग में शामिल हो पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी आज अपना महाकुंभ का टिकट बुक करें, सीट लिमिटेड है। और दोस्तों महाकुंभ में जो व्यक्ति अपने टीम को लेके जाएगा, आप देखिए आज अभी प्लेटिनम और बड़े बड़े लेवल अचीव किए हैं, थोड़ा समय लगा है पहुंचने में, किसी को 10 महीने, किसी को 7 महीने, किसी को 8 महीने लेवल अचीव करने में समय लगा है। लेकिन उनके पास महाकुंभ नहीं था इसलिए टाइम लगा 10 महीने का या 11 महीने का। दोस्तों आपके पास महाकुंभ जैसा बड़ा उत्सव होने वाला है अगर आप अपनी टीम को बैठाते हैं तो। हमारे अपलाइन को, हमारे सीनियर को भले समय लग गया, 8 महीने लग गया, 10 महीने लग गया, लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी टीम को बैठाने में सफल हो गए महाकुंभ में तो मैं ये दावा दे सकता हूँ, ये गारंटी कर सकता हूँ कि आने वाले 3 से 4 महीने में आपका डायमंड शिप या प्लेटिनम का लेवल इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, अगर बशर्ते आपने जी जान लगा दिया इस टीम में, इस महाकुंभ में अपने लोगों को बैठाने के लिए। तो दोस्तों ये आज की ट्रेनिंग थी, आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी अच्छे श्रोता हैं और आपने एंड तक बने हुए हैं, और
दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की ट्रेनिंग हम यही समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड डे, गो सक्सेस एंड थैंक यू वेरी मच।